तो आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़े सच से पर्दाफाश होगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, नल या फिर एंटिटी 303। अब भाई इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें फैन एनिमेशंस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, पर मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ फुल डिटेल्ड एनालिसिस, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब भाई ये जो मुकाबला है ना, ये पूरा ही टक्कर का है। एक तरफ है डार्क एनर्जी का राजा जो कि पूरे डार्कनेस से बना है, नल, और एक तरफ है हैकर्स का गॉड एंटिटी 303। अब मैं इन दोनों की पावर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखूंगा। नल जो कि लड़ने में हाईली स्किल्ड है और अपने अंदर मौजूद डार्क एनर्जी को भी काफी अच्छे से यूज कर सकता है, जिसे वो ब्लैक विप की तरह भी यूज कर सकता है। ये माय हीरो एकेडमिया का रेफरेंस था, तो जो लोग एमएचए देखते हैं वो भाई मेरे को बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें समझ में आया या नहीं। नल लड़ने में बहुत ही स्ट्रांग है और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत तेज हैं। और नल के बारे में रिसर्च करते हुए मेरे को एक और बात पता चली कि नल हीरो ब्रायन का क्लोन हुआ करता था, लेकिन करप्ट होने की वजह से वो ब्लैक हो गया, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक करप्शन की पावर्स भी हैं, इतना कि उसके वर्ल्ड में होने से ही तुम्हारा वर्ल्ड डेड होने लग जाएगा। वो हीरो ब्रायन का क्लोन है, इसलिए वो हीरो ब्रायन से लॉयल है और हीरो ब्रायन को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकता है। नल एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी कर सकता है और इसे कॉम्बैट में भी यूज कर सकता है, जिससे उसके दुश्मन के लिए उसके मूव्स प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नल टेलीकिनेसिस का भी यूज कर सकता है, जिससे वो वर्ल्ड में किसी भी ब्लॉक को या किसी भी चीज को बिना छुए क्रिएट या डिस्ट्रक्ट कर सकता है, वो भी अपने दिमाग से। वो किसी भी चीज के अंदर एब्जॉर्ब होकर उससे मिक्स हो सकता है और उससे पूरी तरह से करप्ट कर सकता है। लेकिन एक और बात है कि जितना भी ये पावर्स हैं, नल उन्हें जितना यूज करेगा उतना ही एग्जॉस्ट होता जाएगा, इसलिए वो इन पावर्स को छोटी फाइट्स के लिए यूज करेगा। अब अगर आपको नल कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है तो रुको, जरा सबर करो, क्योंकि एंटिटी 303 की पावर भी कुछ कम नहीं है। एंटिटी 303 मिली वेपन्स की बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है और उन्हें खूब पावरफुली यूज भी कर सकता है। वो इंचेंटिंग और मैजिकल स्टफ की भी बहुत नॉलेज रखता है, और शायद वो सबसे बेस्ट इंचेंटर्स में से एक है। वो अपने हाथों से फायरबॉल्स और लेजर्स भी शूट कर सकता है, और एंटिटी 303 एक हैकर है, और अब ये मुकाबला हैकर और खुद एक वायरस के बीच में होने वाला है। तो अगर नल एंटिटी 303 से लड़ाई करेगा तो क्लोज रेंज कॉम्बैट में उसे बहुत अच्छे से टक्कर दे पाएगा, और शायद अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज की वजह से एंटिटी 303 भी उसे अच्छे से टक्कर दे पाए। लेकिन अंत में दोनों को अपनी सुपर नेचुरल पावर से ही लड़ना पड़ेगा, और अब नल वर्ल्ड में एब्जॉर्ब होकर पूरे वर्ल्ड को करप्ट करने लग जाएगा। लेकिन एंटिटी 303 सबसे बेस्ट हैकर है, इसलिए वो उसके वायरस का भी कोई ना कोई इलाज ढूंढ ही लेगा, और हो सकता है इस वक्त वो वर्ल्ड से नल को भी डिलीट कर दे, तो ये नल के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और आज का हमारा विनर है एंटिटी 303। एंटिटी 303 केवल अपनी पावर्स की वजह से नहीं जीता, बल्कि अपने क्विक डिसीजन मेकिंग और रेजिस्टेंस से भी जीता है। अब एक और सवाल कि क्या एंटिटी 303 हीरो ब्रायन से जीत पाएगा, ये जानने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक करो और खुद जान जाओ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। एंड आई विल मीट यू गाइस एंड यू विल मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।